पुलिस ने 28 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में गुरुवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह वारदात करीब 10 महीने पहले 21 नवंबर 2020 को उमरेठ तहसील के पेंड्रा बोड़ी परिसर में हुई थी। आरोपी संजय भानरकर है। पेंड्रा बोड़ी के तालाब में एक युवक का शव मिला था। उसकी हत्या किए जाने की आशंका को देखते हुए पुलिस जांच में जुटी हुई थी। करीब 4 माह तक मृतक की शिनाख्त नहीं हुई थी। इसके बाद सीमा खंडार ने मृतक युवक की पहचान अपने बेटे शुभम रमेश खंडार के रूप में की थी। शुभम के भाई लोकेश खंडार ने पुलिस को बताया कि आरोपी संजय भानरकर का उनके घर आना जाना था। शुभम और संजय के बीच विवाद भी हुआ करता था। थानेदार यशवंत सोलसे के अनुसार संदेह के आधार पर संजय को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। उसने शुभम की हत्या करने की बात कबूल कर ली। न्यायालय ने उसे 29 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मामले की जांच पड़ताल में पीएसआई बी पांडे, पुलिसकर्मी प्रदीप चवरे, रुपेश महादुले, आर कामले, तिलक राम टेके, बी मदनकर भी जुटे हुए थे। तकरार मनसाराम तुलसीराम मिश्रा यांनी उमरेठ पोलिसला दिली। त्या तक्रारीवरून पोलीस ठाणे अकस्मात मृत्यू क्रमांक 70/20 हा दाखल करण्यात आला। त्याप्रमाणे मर्गच्या तपासामध्ये सदरची बॉडी ही बेवारस होती। बॉडीची ओळख पटवण्याकरता आम्ही कसोशीने प्रयत्न केले। मैताची ओळख ही त्याचे हातावरील टॅटू कपड्यावरून आम्ही ओळख पटवण्याचा प्रयत्न केला। हाताच्या टॅटूवरून सदरचा इसम हा मयत शुभम रमेश खंडार असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली। त्या माहितीमध्ये तो मृत इसम शुभम खंडार आहे हे खात्रीशीर पटवण्याकरता त्याची आई सीमा खंडार यांना पोलीस स्टेशनमध्ये बोलवून NBCN के लिए अखिलेश भारद्वाज की रिपोर्ट।